हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पर एक हेल्दी बर्गर कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बर्गर बनाना। उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आलू की टिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बॉयल किए हुए 3 पोटैटोज और कुछ छोले लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ग्रीन मटर का यूज़ भी कर सकते हैं, बट हमें बर्गर के लिए मैंने यहाँ पर ये छोले का यूज़ किया है। और उसी के साथ मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। मैंने टमाटो, अनियन और कुकम्बर को अच्छे से काट लिया है। उसी के साथ मैंने यहाँ पर पालक का यूज़ किया है। आप चाहें तो कॉलीफ्लावर का भी यूज़ कर सकती है। और ये मैंने कुछ चीज़ स्लाइस लिए हैं और ये मेरा होममेड चीज़ है। आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ पर चेक कर सकती हैं कि कैसे मैंने पनीर बनाया है। और ये मैंने बन का यूज़ किया है। और ये है हमारी एगलेस मेनोनीज बहुत ही अच्छी होती है। और इसी के साथ मैंने कुछ टमाटो केचप का यूज़ किया है। और टिक्की बनाने के लिए मैं जो अपने छोले हैं उनको मिक्सी में वेल अच्छे से पीस लूँगी। और इसी के साथ कुछ मैंने मसाले यूज़ किए हैं, 1 ग्रीन चिली, 1/2 टेबल स्पून अमचूर व 1/4 चम्मच रेड चिल्ली और 1 पिंच गरम मसाला और सॉल्ट। और इनको अच्छे से मैं बिल्कुल रेडी कर लूँगी। उसी के साथ मैंने यहाँ पर ग्रीन कोरिएंडर की जो चटनी है वो रेडी की है। ये देखिए हमारे जो छोले हैं वो अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। और इसी के साथ जो हमारे जो आलू हैं उनको मैश कर लेंगे। टिक्की में आप कैरेट या फिर कोई भी आप सब्ज़ी ऐड कर सकती हैं जो भी अवेलेबल हो। तो ये देखिए ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। और इसमें हम डालेंगे यहाँ पर कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप वीट फ्लोर या फिर कोई सा भी आप फ्लोर यूज़ कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कॉर्नफ्लोर का ही यूज़ करना है। कॉर्नफ्लोर मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून लिया है। और ये देखिए टिक्की की हम अच्छे से शेप बना लेंगे। और टिक्की की अच्छे से शेप देकर आप उनको अपने हिसाब से मोटा या पतला बना सकती हैं। ये हमारी जो टिक्की हैं वो रेडी हो चुकी हैं। और मैं इनको डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ। तो पहले मैं तवे पर अपने जो बर्गर हैं उनको अच्छे से सेक लूँगी। हमें जो बर्गर है वो एक साइड से अच्छे से सेकना है। ये देखिए जो हमारे बर्गर है बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है। और हमें जो अपनी टिक्की हैं वो डीप फ्राई नहीं करनी है, हमें शैलो फ्राई करनी है। क्योंकि डीप फ्राई हमें यहाँ पर हेल्दी बर्गर बनाना है, उसके लिए हमें डीप फ्राई नहीं करना है। और देखिए हमारी जो टिक्की है वो अच्छे से बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और इसी के साथ जो हमारी सॉस है उसको और भी टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पर जो अपनी मेयोनीज है उसमें मिक्स करूँगी। और यहाँ पर 1 लिटिल सॉल्ट का यूज़ किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसी तरह हम जो हमारी ग्रीन सॉस है उसको भी रेडी कर लेंगे। ग्रीन सॉस में और लाइट कलर लाने के लिए मैंने यहाँ पर मेयोनीज का यूज़ किया है। और इससे जो इसका टेक्सचर है दोनों सॉस का वो क्रीमी हो जाता है। और चलिए जो बर्गर है उसको हम बनाते हैं, डेकोरेशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ग्रीन सॉस लगाया है। उसी के साथ मैं यहाँ पर कॉलीफ्लावर या फिर आप पालक का पत्ता यूज़ कर सकती हैं, जिससे कि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से लग जाए। और यहाँ पर मैंने टमाटोज, अनियन अच्छे से लगाने हैं, उनकी कोटिंग करनी है। और चीज़ स्लाइस लिया है, मार्केट में भी चीज़ स्लाइस अवेलेबल होते हैं लेकिन मैंने घर पर ही बनाया था, फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ था तो मैंने यूज़ किया है। और ये हमारी टिक्की है। और इसी के साथ मैं यहाँ पर अपनी जो सॉस है वो भी ऐड कर दूँगी। और आप घर में बर्गर इस तरह का ज़रूर बनाकर देखिएगा। जो बच्चे हैं बिल्कुल अच्छे से बर्गर खाएंगे और जो मार्केट का है वो उसमें ज़्यादा कैलोरीज वगैरह आती हैं। तो ये हमारा एक हेल्दी बर्गर घर पर बन के रेडी हो जाता है। घर पर बर्गर बनाने से हमारे जो
बर्गर है वो अच्छे से प्योर, और हमें पता है कि हम इसमें क्या यूज़ करना है, अपने हिसाब से क्या ऐड करना है क्या नहीं करना है, तो हम उसी तरह अपना बर्गर बना सकते हैं। देखिए जो हमारा बर्गर है वो अच्छे से बिल्कुल वेल बनकर रेडी हो चुका है। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा जो हेल्दी बर्गर है वो कैसा है। बर्गर बहुत ही अच्छा बना है और घर में आप बच्चों को बनाकर बर्गर दे सकती हैं और जो बाहर का खाना है बीमारी है उससे बचा सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो बर्गर है बिल्कुल रेडी है और आप टिश्यू पेपर की हेल्प से बर्गर को अच्छे से मज़ा ले सकती हैं, खा सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल रेडी है। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।